कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए रात में शंकर जी की बारात निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलाहार किया जाता है। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। आओ जानते हैं शिवजी की बारात का रोचक वर्णन। श्री रामचरित के बालकांड में शिवजी के विवाह का वर्णन मिलता है। शिवजी का विवाह वैदिक रीति से हुआ। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणिग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। सीरीज लगते लगते बम बम एक बार सभी लोग हाथ उठाए पहले बोली भोलेनाथ महाराज की सच्चे दरबार की। अब लग रहा है कुछ है। Yeah.
सभी देवी और देवता भांति भांति के विमान से शिवजी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुँचे। अप्सराएं गाने लगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी ने भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुला लिया। I'm